स्टेप बाय स्टेप मेकअप स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो पहले आप अपने बालों को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि इसमें कोई क्रीम फाउंडेशन ना लगे। सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। ये मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं अपने फेस को। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी जो ड्राई स्किन है वो बहुत अच्छे से मेकअप उस पर स्टे हो जाता है। ड्राई स्किन वालों को तो स्पेशली मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, और मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। पूरे फेस पर मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से अप्लाई कर लो। ये है फर्स्ट आपका स्टेप, देन सेकंड स्टेप। अब मैं लगाऊंगी इसमें प्राइमर। ये है कलर बार का प्राइमर। ये एज अ स्प्रे सेटिंग भी, आपका मेकअप सेटिंग भी काम करता है, और ये एज अ प्राइमर भी काम करता है। तो मैं इसको अपने फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और फिर इसको अपने फिंगर से रब करेंगे इस तरीके से सर्कुलर मोड पे, और जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि आपकी ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है वहाँ वहाँ अच्छे से इसको कवर कर लेना है आपको। थर्ड, आपको सबसे बहुत ही अच्छी बात ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर से आपको अपना फाउंडेशन लगाना चाहिए। ये है मैक का फाउंडेशन, ये हम यूज़ करेंगे। ब्लेंडर को ना हमेशा आपको पानी में डिप करके उसको एकदम उस तरीके से सूखा कभी भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से गीला कर लिया था, निचोड़ लिया था, और अब पूरे फेस पर मैंने फाउंडेशन अपना लगा लिया है। और इसको ना आपको रगड़ना नहीं है, इसको डैब 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 करके लगाना है आपको। डैब डैब करने से थोड़ी देर बाद ही ये फाउंडेशन आपका फ्लो करने लगता है, खिल के आने लगता है। थोड़ी देर आपको 5-10 मिनट सेट करने में लगते हैं। देन अब आप अप्लाई करेंगे। कोई भी लूज़ पाउडर हो या फिर आपके पास कोई भी पाउडर हो वो आप लगाएंगे फिंगर से या फिर ब्रश से। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ ब्रश से, क्योंकि फिर वो पैची पैची लगता है और इससे थोड़ा सेट हो जाता है। लूज़ पाउडर से फाउंडेशन सेट हो जाता है। तो अच्छे से मैं पाउडर से अपना लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई कर लो, आइस पर भी, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो आँखों को ऊपर नीचे करने में ना एक लाइन सी ड्रा हो जाती है, इसलिए आइस पर भी बहुत अच्छे से आपको ये लूज पाउडर लगाना है। देन आपको फिल करनी है अपनी आईब्रो। आईब्रो ज़रूर फिल करें, मेरे आईब्रो में बहुत ज़्यादा गैप है, तो आईब्रो ज़रूर फिल करें जिसके नहीं है। लेकिन आईब्रो को फिल करने से भी एक अलग ही गेटअप आ जाता है। आप देखिए डिफरेंसेस देखिए उसमें और इसमें। अब दोनों को एक साथ फिल करें, हमेशा अपनी आईब्रो को ज़रूर फिल करें। आईब्रो को फिल करने से एक अलग ही गेटअप आ जाता है। बहुत अच्छे से फिल कर रही हूँ मैं, और ये टू साइड में है तो दूसरी साइड में ब्रश है, तो ब्रश से मैं इसको इक्वल कर रही हूँ ताकि आगे और पीछे काजल रहना जाए। आईब्रो पेंसिल में जो काजल होता है वो रहना जाए, तो इसको दोनों को इक्वल कर रही हूँ मैं ताकि ये एक इक्वल लगे दोनों आईब्रो। मैं यूज़ करूँगी ये कलर बार की पैलेट। ये आपकी एज अ आई शेडो और हाइलाइटर, इसमें सारे शेड्स हैं, तो ये ऑल इन वन है। तो इसको अब मैं अपनी आँखों पे फिल करूँगी। मैंने जिस कलर की साड़ी पहनी है मुझे वही कलर चाहिए, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। कलर बार की ऑल टाइम फेवरेट है ये पैलेट मेरी। इसे ब्रश से ले लो या फिंगर से ले लो, मेरे को फिंगर से बहुत अच्छा लगता है, मैं फिंगर से बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ। ब्रश से कभी कम ज़्यादा का थोड़ा वो हो जाता है ना, और मैं दिन के हिसाब से मेकअप कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए। जैसे हम डेली में करते हैं उस हिसाब से, कहीं जाना हो तो छोटे मोटे ओकेशन के हिसाब से, तो ये मैं इसलिए मुझे फिंगर से बहुत अच्छा लगता है ये फिल करना अपनी आई शेडो को। और ये बहुत अच्छे से फिल हो गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से दो शेड भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे दिन के हिसाब से चाहिए था, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर से तो आँखों का निखार ही और आ जाता है। तो अब हम यहाँ, मैं कलर बार का ही आईलाइनर है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप पीछे से चाहें तो पीछे से लगा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से लगा रही हूँ आईलाइनर, और मुझे ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए, तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और आईलाइनर लगाने से एक अलग ही निखार आ जाता है, आंखें सोनी सोनी लगती है। आईलाइनर ज़रूर लगाएं, ज़रूर ट्राई करें, देखो
दोनों आँखों में आईलाइनर लग गया और आँखें बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी आँखें। देन अब यूज़ करते हैं कलर बार की ही लिपस्टिक, और मेरे पास ना और सारा ही सामान कलर बार का है, तो कलर बार का अब हम इसको अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो पेंसिल से पहले आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे आउटलाइन बहुत कम पसंद है, तो मैं अब ये लगा रही हूँ लिपस्टिक। और ये शेड इसको पिंक या रेड भी नहीं कहेंगे, दोनों का मिक्सअप है ये, तो ये बहुत सुंदर एक शेड है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये शेड, और ये हटता भी नहीं है, मतलब ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम चल जाता है। और देखो लिपस्टिक का कलर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम वही पैलेट लेंगे जो मेरी कलर बार की, मैंने बोला ना अब ऑल इन वन है, तो एज अ हाइलाइटर भी इसे यूज़ करेंगे। इसमें हाइलाइटर की भी 3-4 शेड्स दे रखे हैं, ये जो स्टार्टिंग के 3 शेड्स हैं ना, ये हाइलाइटर ही हैं। तो आप इसे अपने नोज़ के बीचों बीच लगा लेंगे, चिक एरिया पे लगा लेंगे, और फोरहेड पे लगा लेंगे, और इससे एक अलग ही निखारा जाता है, एक शाइन करने लगता है। और आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। और अब हम ये यूज़ करेंगे, और ये मुझे थोड़ा कम पसंद है। जब भी आप यूज़ करें ना, तो स्माइल ज़रूर करें, स्माइल करते हुए ये लगाना चाहिए आपको। और मैंने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि ना हस्बैंड आ गए थे। और देखो कितना सुंदर मेकअप, बहुत ही झटपट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है बहुत ही इजी तरीके से, और बहुत ही फ्लो वाला मेकअप, बहुत ही खिलने वाला मेकअप। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।